गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज मैं कक्षा 11वीं के लिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं और इसके अंतर्गत आज हम जिन टॉपिक्स का यहां पर अध्ययन करेंगे वो टॉपिक्स इस तरीके से हैं: फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, मेजरमेंट यानी मापन, यूनिट मात्रक, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मूल भौतिक राशियाँ, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स मूल भौतिक मात्रक और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भौतिक राशि है वह क्या होती है। भौतिक राशि को हम इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि वह राशि जिसे हम मेजर कर सकते हैं यानी कि जिसका हम मापन कर सकते हैं। लेकिन क्या इसको समझना इतना आसान है जिसे हम मापन कर सकते हैं? इसको आसान शब्दों में इस तरीके से समझिए कि भौतिक राशियां वह होती हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में या तो अनुभव कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं या हम उनको सटीक तरीके से माप सकते हैं। हालांकि अभी हमने मापन नहीं पढ़ा है लेकिन मैं फिर भी आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि भौतिक राशि क्या होती है। मान लीजिए आप कहीं पर हैं और वहां पर आप देख रहे हैं कि जो प्रकाश है वह कम है या ज्यादा है। तो देखिए, आपके दिमाग ने एक मेजरमेंट किया, एक मापन किया कि यहां पर लाइट कम है या ज्यादा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो लाइट है वह भौतिक राशि है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आप कहीं ऐसी जगहों पर गए जहां पर आपको लगा कि जो तापमान है वह बहुत ज्यादा है। देखिए, आप सटीक तरीके से तो उसको मेजर नहीं कर रहे हैं लेकिन जो आपका सेंस है वह कह रहा है कि यह तापमान अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो तापमान है उसका भी आप मापन कर रहे हैं। तो तापमान भी एक भौतिक राशि है। फिर ये सोचते हैं कि सटीक मापन कहां पर होता है। तो आप किसी दुकान में गए, आपने शॉपकीपर से कहा कि मुझे 1 kg चीनी चाहिए, तो उन्होंने आपको जो चीनी है एक थैले से निकाली और उसको मेजर करके बताया कि ये 1 kg है और आपको थैले में भर के दे दी। तो आपको पता लगा कि यहां दुकानदार ने चीनी का मेजरमेंट किया है। किसके साथ किया है? वो डिजिटल तराजू हो सकता है या जो पुराने टाइम पर तराजू चलते थे उसमें उसका मापन हुआ। तो यहां पर जो राशि हमने ली है जिसे हम चीनी कह रहे हैं इसे हम द्रव्यमान कहेंगे, तो द्रव्यमान भी एक भौतिक राशि है। तो कुल मिलाकर आप अपने अनुभव द्वारा या अपने यंत्रों के द्वारा या आप कुछ और तरीके से जो सेंस करते हैं उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। जो भौतिक राशियां हैं वह कितने प्रकार की होती हैं उन पर हम थोड़ा रुक कर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि मापन क्या होता है। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था कि एक दुकान में आप गए और दुकान से आपने चीनी खरीदी, तो वहां पर आपने क्या देखा कि एक थैले से जब वो चीनी निकाल कर उस तराजू में रख रहे थे तो धीरे धीरे उसकी मात्रा को बढ़ा रहे थे और जब 1 kg हुआ या हो सकता है 1 kg से थोड़ा ज्यादा हो गया तो उन्होंने उसकी अमाउंट कुछ कम करी होगी और जब 1 kg के लगभग वह बराबर हो गया होगा तो उन्होंने आपको दे दिया होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो द्रव्यमान था उसका हम एक अन्य राशि के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो मापन का अर्थ होता है कि हम किसी भौतिक राशि का किसी उसी प्रकार की भौतिक राशि के साथ, अब जो वो दूसरी भौतिक राशि होती है उसे हम स्टैंडर्ड भौतिक राशि कह सकते हैं यानी कि हम उसको एक मानक के रूप में लेते हैं। अभी डिजिटल तुला चलते हैं लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ समय पूर्व या अभी भी कुछ दुकानदार के पास वही तराजू है, उनके पास 1 kg का वेट होगा, 2 kg का वेट होगा, 5 kg का वेट होगा। तो एक साइड वो तराजू में वो वेट रख देते थे और दूसरी तरफ जो सामान हम खरीदते थे, यहाँ पे सामान का अर्थ आप द्रव्यमान से लीजिए और उसको डालने के बाद वह धीरे धीरे देखते थे कि यह तराजू कब बैलेंस होगा। तो आप इस पूरी घटना को अपने दिमाग में रखिए, जो दुकानदार है वह उस मानक यानी कि जो 1 kg का था या 2 kg का वेट था उस वेट के साथ उस द्रव्यमान को
क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, उसकी तुलना कर रहा है। तो यह तुलना जो होती है इसे हम मापन कहते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आप किसी कपड़े की दुकान पर गए और वहां पर आपको कपड़ा खरीदना है, तो एक मीटर का स्केल उनके पास होता है और जितना कपड़ा आपको चाहिए होगा वो मीटर के स्केल से मेजरमेंट करके आपको दे देते हैं। तो यहां पर जो मीटर का स्केल है उसके साथ कंपेरिजन किया जाता है कपड़े का। तो जो मीटर स्केल है या 1 kg या 2 kg का वेट था वो मानक भौतिक राशि है, क्योंकि वो भी भौतिक राशि ही है, मानक भौतिक राशि है जिन्हें हम मात्रक के रूप में यूज कर रहे हैं। और उनके साथ जो चीज अननोन है यानी जिसे हम खरीदना चाहते हैं, जिसका हम मेजरमेंट करना चाहते हैं, उसके साथ हम उसकी तुलना कर रहे हैं, तो वह तुलना जो प्रदर्शित हो रही है उसे हम मापन कहते हैं। मापन अपने आप में एक विस्तृत अध्ययन का क्षेत्र है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के मात्रकों का प्रयोग करते हैं। हमारा जो मात्रक होगा वह छोटे से लेकर बड़ा हो सकता है, यह डिपेंड करता है कि हमें मापन किसका करना है। अब मान लीजिए आपको एक सूक्ष्म चीज को नापना है तो उसके लिए आप सेंटीमीटर का स्केल लेंगे या हो सकता है उससे भी छोटा आपको मिलीमीटर के स्केल की जरूरत पड़े। लेकिन मान लीजिए आपको बहुत बड़े क्षेत्र को नापना है जहां आपको किलोमीटर्स में जो है डिस्टेंस दी गई हो, तो वहां पर आप किलोमीटर वाला स्केल प्रयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मापन है वह मापन इस बात पर निर्भर करता है कि हमें मेजरमेंट करना किसका है। छोटी राशि है तो हमारे मात्रक छोटे हो जाते हैं, बड़ी राशि है तो हमारे मात्रक बड़े हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जब हम सुनार के यहाँ जाते हैं और गोल्ड खरीदते हैं तो गोल्ड जो है बहुत महंगी धातु है, तो वह 10 ग्राम मैक्सिमम या 20 ग्राम इस तरीके से लिया जाता है। तो वहां पर जो वेट होते हैं वह मिलीग्राम में होते हैं, बहुत छोटे वेट होते हैं, क्योंकि वहां पर हम मिलीग्राम के 100वें हिस्से 1000वें हिस्से तक सोना खरीदते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो मापन है, मापन के लिए जो मात्रक है वह इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमारा जो मापन है वह सूक्ष्म है या स्थूल है। अब दूसरे पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं मापन के बाद मात्रक। मात्रक भी आपको मापन के साथ लगभग समझ में आ गया होगा। मात्रक का अर्थ होता है कि हम जो मानक भौतिक राशि तुलना करने के लिए ले रहे हैं उसे हम मात्रक कहते हैं। जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे उन एग्जाम्पल में जो 1 kg का वेट था या 2 kg का वेट था वह एक मानक राशि हो गई। इसी तरीके से हमने जो मीटर स्केल लिया था या हम 1 cm या 2 cm या मान लीजिए ये स्केल में लेता हूं तो ये एक मानक हो गया। तो जो मानक भौतिक राशि होती है जिसका हम किसी उसी प्रकार की अज्ञात भौतिक राशि से तुलना प्रदर्शित करते हैं उसे हम मात्रक कहते हैं। आगे इस पर भी डिस्कस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो मात्रक है जितनी भौतिक राशियां होंगी उनके उतने ही मात्रक होंगे। मुख्य टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज अर्थात मूल भौतिक राशियां। मूल का अर्थ होता है जड़। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक विज्ञान में जितनी भी भौतिक राशियां होंगी उन भौतिक राशियों में कुछ ऐसी राशियां होंगी जो कि उनकी जड़ है, या ये यूं कहें कि उन भौतिक राशियों से ही सारी अन्य भौतिक राशियों को हम बना सकते हैं, इसलिए इन्हें मूल भौतिक राशियां कहा जाता है। इसे समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हम इंग्लिश के कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसके लिए हमारे पास 26 अल्फाबेट है। हिंदी के कोई भी शब्द हम लिखते हैं उसके लिए हमारे पास 52 अल्फाबेट्स हैं, और मैथ्स में हम जो भी डिजिट लिखते हैं उसके लिए हमारे पास 1 to 9 और एक जीरो मिलाकर 10 डिजिट होती है, और इन 10 डिजिट से मिलाकर हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार भौतिक विज्ञान में भी कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनको मिलाकर या जिनकी सहायता से अन्य भौतिक राशियां प्राप्त की जाती है। इन भौतिक राशियों को हम मूल भौतिक राशियां कहते हैं। मूल भौतिक राशियों को इस तरीके से परिभाषित किया जाता है कि ये वे भौतिक राशियां हैं जिनका मापन अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करता है। कुल मिलाकर ये इंडिपेंडेंट होती हैं,
यानी कि जब इनका मापन हम करेंगे तो डायरेक्ट ये मेजरमेंट होंगी, किसी की सहायता से इनका मेजरमेंट नहीं होगा। अब यहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है और सहायता से मेजरमेंट करना क्या होता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि डायरेक्ट मेजरमेंट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट मेजरमेंट किसे कहते हैं। मान लीजिए यह एक लाइन है और इसे मुझे मापना है, तो मैं किस तरीके से मापूंगा। मापने के लिए मेरे पास स्टैंडर्ड तरीका हो सकता है या कोई अनुमानित तरीका हो सकता है। अनुमानित तरीके में यह हो गया 1, 2 और लगभग 3 के बराबर, तो ये पहले तरीके थे। अगर स्टैंडर्ड तरीका मैं प्रयोग करता हूं तो यहां पर मैं स्केल लूंगा और इस स्केल के द्वारा मैं इसको मेजर करूंगा लगभग 45 और उससे थोड़ा ज्यादा, यानी कि हम इसको और मेजर करते हैं तो 2 सेंटीमीटर, यानी कि 47 सेंटीमीटर ये हमें प्राप्त हो रही है। अब इसे हमने डायरेक्ट मेजरमेंट किया, ये लेंथ है यानी कि लंबाई है और लंबाई का जो मापन था वो हमने डायरेक्ट कर लिया। अब दूसरी पॉइंट पर हम बात करते हैं। यहां मेरे पास एक क्षेत्रफल है, यानी कि ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है इसके अंतर्गत एक क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का मुझे मेजरमेंट करना है। तो देखिए ये किस तरीके से इनडायरेक्टली मेजरमेंट किया जाता है। मैं सबसे पहले इस नीचे के हिस्से को मापने वाला हूं, ये लगभग 33 सेंटीमीटर मुझे प्राप्त हो रहा है, ये वाला हिस्सा 33 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, लगभग ये भी 33 सेंटीमीटर होगा और ये वाला जो हिस्सा है ये लगभग 23 मुझे प्राप्त हो रहा है और 23 ये प्राप्त होगा। मैं इस आकृति को आयताकार आकृति मान रहा हूं। अब मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल मैं किस तरीके से निकालूंगा, A इज इक्वल्स टू लंबाई गुणा गया चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। तो लेंथ कितनी थी, 33 थी और ब्रेथ कितनी है, 23। तो यहां पर जो क्षेत्रफल होगा A इज इक्वल्स टू वो हो जाएगा 33 इंटू 23 और इसका मेजरमेंट आप कर लेंगे यह सेंटीमीटर स्क्वायर में प्राप्त हो जाएगा। तो आपने देखा जब मुझे लंबाई का मेजरमेंट करना था तो वह मैंने डायरेक्ट किया, यानी कि किसी अन्य की सहायता से मैं उसे मेजरमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जब मुझे क्षेत्रफल को मापना था तो मैंने एक तरफ की लंबाई ज्ञात की और फिर चौड़ाई ज्ञात की और लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दिया तो मुझे ये क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया कि कुछ भौतिक राशियों का जो मेजरमेंट है, जो मापन है, उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उनका जो मापन है वह किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, उन्हें हम मूल भौतिक राशियां कहते हैं। जो मूल भौतिक राशियां होती हैं उनकी संख्या केवल 7 है। आप याद कीजिए मैंने जैसे कहा था आपको कि न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखने के लिए आपको केवल 10 डिजिट की जरूरत होती है। इसी तरीके से भौतिक विज्ञान में जितनी भी राशियां हैं उन सब को बनाने के लिए केवल 7 मूल राशियों की आवश्यकता है। तो वो 7 मूल राशियां क्या हैं, यहां देखिए, द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, विद्युत धारा है, तापमान है, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, यानी कि ये 7 वो भौतिक राशियां हैं जिनका मेजरमेंट डायरेक्ट किया जाता है, इसलिए हम इन्हें मूल भौतिक राशियां कहते हैं। जो 7 मूल भौतिक राशियां हैं उनको मापने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक क्या क्या है, देखिए, मास के लिए हम प्रयोग करते हैं किलोग्राम, लंबाई के लिए हम प्रयोग करते हैं मीटर, समय के लिए सेकेंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, तापमान के लिए केल्विन, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडिला और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म रूप में इन भौतिक राशियों पर डिस्कस कर लिया जाए, द्रव्यमान किसी पदार्थ की मात्रा होती है। पदार्थ की मात्रा का अर्थ ये हुआ कि किसी पदार्थ को बनाने के लिए कितने कण प्रयोग हुए हैं या उसमें उपस्थित कणों की संख्या क्या है, उनको हमने मेजरमेंट करना है, यानी कि उनकी हमने गिनती करनी है। तो जितने भी कण होंगे उन्हें हम द्रव्यमान कहते हैं।
तो किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या को, क्वांटिटी ऑफ मैटर्स, उसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। लंबाई को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये स्पेस है, आकाश है, इस आकाश में स्थित दो बिंदुओं के बीच जो विस्तार होगा और वह विस्तार एक बीमीय होना चाहिए, यानी कि एक रेखा में होना चाहिए, तो उसे हम लंबाई कहते हैं। इसके साथ समय, समय का अर्थ यही हुआ कि एक वीडियो बनाना मैंने प्रारंभ किया और बाद में जब यह एंड हो जाएगा तो उनके बीच, यानी कि कोई इवेंट हो रहा है उस इवेंट के बीच का जो ड्यूरेशन है वह कितना है, उसे हम समय कहते हैं। विद्युत धारा एक ऐसी भौतिक राशि है जिसने हमारे जीवन में क्रांति ला दी है। लगभग हमारे घरेलू से लेकर इंडस्ट्रियल जितने भी उपकरण हैं वो सभी विद्युत धारा के द्वारा ही चालित होते हैं। तो विद्युत धारा को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि विद्युत धारा क्या हुई, आवेश प्रभाव की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट है तापमान। तो तापमान का अर्थ होता है कि हमें जो हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कि हम जो ठंडक और गर्माहट महसूस करते हैं उसे हम तापमान कहते हैं। इन सभी के बारे में जो विस्तृत अध्ययन होगा वो इनसे संबंधित चैप्टरों में होगा। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का अर्थ होता है कि यदि कोई ऊर्जा का स्रोत है जिससे प्रकाश निकल रहा है या तापमान निकल रहा है तो उससे जो ज्योति निकलती है उस ज्योति में कितनी इंटेंसिटी है, कितनी तीव्रता है, उसे हम ज्योति तीव्रता कहते हैं। पदार्थ की मात्रा, द्रव्यमान और पदार्थ की मात्रा लगभग एक जैसे ही है। यहां पर जो पदार्थ की मात्रा है उससे हमें यह ज्ञात होता है कि किसी पदार्थ के अंदर कितने परमाणुओं की संख्या है। कुल मिलाकर जो पदार्थ की मात्रा है उसमें हम परमाणुओं की संख्या का बोध करते हैं, उनको ज्ञात करते हैं। सूक्ष्म रूप में व्युत्पन्न भौतिक राशियों को समझ लेते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियों का अर्थ हुआ कि ये राशियां मूल राशियों के द्वारा प्राप्त की जाती हैं या इन राशियों का जो मेजरमेंट होता है, जो मापन होता है, वह एक दूसरे पर निर्भर करता है या अन्य भौतिक राशियों की सहायता से इनका मेजरमेंट किया जाता है। तो अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया था जिसमें हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया था, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों चीजें ज्ञात की थी और उनका मल्टीपल करके हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया था। तो जो लंबाई और चौड़ाई है ये दोनों ही लंबाई है, जो भौतिक राशि है वह लंबाई है, तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रफल है वह लंबाई के मेजरमेंट पर निर्भर कर रहा है। इसी तरीके से अन्य भौतिक राशियां हैं, दाब है, बल है, संवेग है, वेग है, ऊर्जा है, ये सभी भौतिक राशियां जब हम मापन इनका करते हैं तो ये कहीं ना कहीं मूल राशियों पर निर्भर करती हैं या व्युत्पन्न राशियों पर निर्भर इनका मेजरमेंट करता है, इसलिए हम इन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। वीडियो में हम जो भी भौतिक राशियां हैं उन भौतिक राशियों का मापन किन किन पद्धतियों के अंतर्गत किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो तब तक आप आज के वीडियो से संबंधित नोट्स बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।